चलो शुरू करते हैं। क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 2। सेकंड लेक्चर है ये, सेकंड चैप्टर 12th फिजिक्स का। ठीक है, आज हम लोग को देखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हम लोग निकाले थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पिछले क्लास में हम लोग एक पॉइंट चार्ज के कारण निकाले थे। ये एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, तो इसके कारण यहाँ किसी पॉइंट पी पर हम लोग निकाले थे, जो यहाँ से आर डिस्टेंस पे है, क्या निकाले थे? पोटेंशियल इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या था? क्यू बाय आर, इनके बीच का डिस्टेंस, ये प्रूफ करके दिखाया था मैंने। ठीक, क्यू बाय आर। अब हम लोग को देखना है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, कैसा होता है? जैसे मान लो कि ये कुछ भी है, ये पूरा चार्ज्ड है। ठीक है, इस पूरे में चार्ज है, तो चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरे वॉल्यूम में। या अगर चार्ज एक लाइन में रख दें तो लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, या ये बोर्ड के एरिया में अगर चार्ज रख दें तो इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। तो उसके कारण हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग देख चुके हैं, और दूसरा हम लोग क्या देख चुके हैं? ये तो पॉइंट चार्ज के कारण है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं, ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये समझा रहा हूं मैं तुम लोग को थोड़ा सा पहले वाला लेके। अब मान लीजिए यही कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे हमको पोटेंशियल निकालना है Q1, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, Q2 Q3 डॉट डॉट Qn तक। ठीक, ये डिस्टेंस हमको पता है, क्या होता है? R1, ये डिस्टेंस पता है R2, ये डिस्टेंस पता है R3, और ये डिस्टेंस पता है R4। तो अब अगर V1 के लिए निकालेंगे तो डिस्टेंस P से R का, P से Q का रखे थे, या P से मतलब जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालना है उससे, जिस चार्ज के कारण निकालना है उसका डिस्टेंस। देखो पहले हम लोग क्या देखे थे, यहां पे प्लस Q चार्ज है, ये पॉइंट P है, R डिस्टेंस पे है, तो इस पॉइंट पी पे हम लोग इस चार्ज के कारण निकाले थे। लेकिन अब चार्ज बहुत सारा चार्ज है, लेकिन ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ना, ये बहुत सारे पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग देखे। तो V1 बराबर क्या हो जाता है? V1 बस ये डिस्टेंस बदल जाएगा, ये चार्ज बदल जाएगा, Q1 Q1 चार्ज के कारण और उनके बीच का डिस्टेंस। फिर V2 क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही V3 V4 सब निकाल लोगे। तो अब हम लोग बात करें नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो क्या हो जाएगा? एल्जेब्रिक सम V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस VN। ये समझाया था मैंने तुम लोग को कि एल्जेब्रिक सम क्यों रखते हैं, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं। तो अगर सब की वैल्यू लिख दे तो सब में कॉमन क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस Q3 बाई R3 प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा? Qn बाई Rn। ठीक, अच्छा, अब इसको हम लोग समेशन के भी फॉर्म में लिखे थे। क्या लिखे थे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा Qi बाई Ri। ठीक है, और फिर i बराबर 1 से n लिखे थे, ये लिख दिए थे। ये लिखने के बाद मैंने इसी का एक और फॉर्म मैं लिखा था, इसका एक और फॉर्म लिखा था। क्या लिखा था? कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I बराबर 1 से n, और यहां क्या लिखा था, क्या है ये? Qi अपॉन वेक्टर R माइनस वेक्टर Ri, ये ऐसा लिखा था, इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, तुम लोग बोलोगे सर यहाँ खाली Ri लिखे या R-Ri लिखे, तो समझा रहा, पिछले वीडियो में भी शायद समझाया था, ध्यान से अगर तुम लोग वीडियो देखे होगे तो। अब देखो यहाँ पे R क्या है? पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का है जिसका हम लोग, जहां पे हम लोग को पोटेंशियल निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर जहां बात आए तो हमको सीधा समझ जाना है कहीं ओरिजिन से। तो मान लीजिए यहां कहीं पे ओरिजिन O है, ठीक है, यहां से जो इसका डिस्टेंस है पॉइंट P जहां हमको निकालना है,
वो क्या है, वेक्टर आर। इस पॉइंट पर निकालना वो वेक्टर आर है, और आर वन वेक्टर, आर वन वेक्टर, आर टू वेक्टर, आर थ्री डॉट डॉट वेक्टर, आर एन जो है वो हर चार्ज का पोजीशन वेक्टर है। तो चार्ज क्यू वन का पोजीशन वेक्टर है, तो सीधा यहां से ऐसा मिला तो पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से होता है ना, ये वेक्टर आर वन। अब ये आर वन नहीं है, ये आर वन हम लोग लिखे थे, अब ये आर वन नहीं है, समझना ध्यान से, ये इधर ले जाओ। तो ये वाला वेक्टर क्या होगा, ये वाला वेक्टर क्या बोलेंगे इस वेक्टर को, मान लीजिए यहां पी क्यू है, तो पी क्यू बराबर, या इसका खाली मैग्नीट्यूड, अच्छा वेक्टर पी क्यू लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर पी क्यू क्या होगा, पी क्यू लिख रहे हैं तो क्या होगा पी क्यू, या क्यू पी लिखो, क्यू पी लिखो, तो फाइनल माइनस क्यू पी या पी क्यू जो भी लिखो, ये वाले इस वेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर इस वेक्टर को हम लोग मान लेते हैं आर, तो आर वेक्टर बराबर क्या होगा, ये वेक्टर ओपी और माइनस ओ क्यू, ओपी माइनस ओ क्यू, ये तुम लोग जानते हो। अब इसका हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड लगा दो, ओपी कितना है वेक्टर आर है, और माइनस ओ क्यू कितना है वेक्टर आर वन है, तो सबका डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिस्टेंस होगा पॉइंट और चार्ज के बीच में, वैसे इसका हो जाएगा। अब इसके लिए भी ये आर पोजिशन वेक्टर है, पॉइंट पी का जहां निकालना है, और जो चार्ज है उसका पोजिशन वेक्टर क्या है, ये आर टू, तो फिर इसको निकालो, तो ये क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर माइनस आर टू, समझ आ रहा है। तो ये ऐसे, ये फॉर्म बस समझाने के लिए बताया, ये मैं पहले बता चुका हूं लेकिन फिर भी लिखो, ठीक है समझ लो फिर भी दोबारा से। फिर ये गया आर एन, तो ये किसका पोजीशन वेक्टर है, ये एन चार्ज का पोजीशन वेक्टर आर एन है, और ये पी का पी है, हमको क्या चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर माइनस आर एन, ठीक है समझ गया होगे लोग। अब देखो, अब मान लीजिए यहां कहीं पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमको यहां पॉइंट पी पे हम लोग को पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। तो यहां तो बहुत सारे चार्ज है, ऐसा कोई फॉर्मूला हम लोग सीखे ही नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे कि ये पूरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना इस पे, क्यू चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा, वो हम अभी तक सीखे हैं कि बस सिंगल चार्ज से हम कैसे निकालेंगे, सिंगल चार्ज कहीं रखा है उससे किसी पॉइंट पे, फिर दूसरा सिंगल चार्ज है उससे किसी पॉइंट पे, तीसरा सिंगल चार्ज है उससे किसी पॉइंट पे, समझ रहे, तो वो सब हम लोग निकालते हैं वैसे करके। तो अब यहां पे हम लोग मान लेते हैं, इसमें छोटा सा एक चार्ज ले लेते हैं डी क्यू, हम लोग क्या मानते हैं कि ये पूरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो छोटे 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 डी क्यू पॉइंट चार्जेस से मिलकर बना हुआ है, समझ आ रहा है, इस पूरे पे क्यू चार्ज है, तो हम क्या मान लेते हैं कि ये छोटे 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 डी क्यू चार्ज से मिलकर बना है, ठीक। तो अब हमको एक पॉइंट चार्ज मिल गया डी क्यू, इसका यहां से डिस्टेंस पता नहीं हमको, ठीक है, लेकिन कहीं पे पी का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर आर, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर आर वन या कुछ भी वेक्टर आर वन, तो ये वाला क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर वन, या जितना नंबर होगा आर आई ले लो, आर आई, ठीक है वेक्टर आर आई ले लेंगे, ये वाला डिस्टेंस हमको चाहिए, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि सब ठीक है, एक डी क्यू के कारण हम लोग निकाल लेंगे, एक डी क्यू के कारण क्या होगा, पोटेंशियल, छोटा सा पोटेंशियल डीवी बराबर वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डी क्यू बाई डिस्टेंस कितना रहेगा, तो इसके लिए जो डिस्टेंस है वेक्टर आर माइनस आर वन का मैग्नीट्यूड। अब हम लोग को पूरा निकालना होगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसको अगर डीवी को इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या वी बन जाएगा, तो इधर भी इंटीग्रेट कर दो, तो वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर आई, आर आई हम लोग क्यों लिखे हैं, ठीक है, तो जो चार्ज होगा उसका, जैसे आर वन है तो आर वन के लिए आर माइनस आर वन,
और कोई आर टू होगा यहां पे, डी क्यू कोई आर टू डिस्टेंस पर होगा, तो आर माइनस आर टू, ऐसे कर करके हमको फॉर्मूला क्या मिला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन डी क्यू बाई वेक्टर आर माइनस आर आई का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इसको मिटाल रहे हैं, इसको मिटाल दिया है। ठीक है, अब बात यह है कि सर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, लेकिन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? तो तीन तरह का कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, एक सरफेस पे मतलब एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एक किसी लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम लोग हर एक केस लेके चलेंगे। तो पहला हम लोग लिया जाए, क्या लिखा जाए कि व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली, पहले वॉल्यूम का ले लेते हैं, इन अ वॉल्यूम वी, वॉल्यूम वी में जब डिस्ट्रीब्यूटेड है तो तब देखो पोटेंशियल क्या होगा। अभी भी तो पोटेंशियल का वही फॉर्मूला होगा, 4πε0 इंटीग्रेशन डी क्यू बाई आर माइनस आर आई। तुम लोग बोलोगे सर अब क्या मतलब हुआ, वही सेम चीज लिख रहे हैं, बता रहा हूं। देखो अब देखो यहां पे हम लोग लिखते हैं, सिंस जब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन जितने वॉल्यूम में है। तो डी क्यू चार्ज कितने वॉल्यूम में है, डीवी वॉल्यूम में है, समझ आ रहा है? डी क्यू चार्ज कितने वॉल्यूम में है, डी, यही होता है ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां से मतलब वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यही होता है ना, तो यहां से डीवी, ये चैप्टर वन में मैं पढ़ा चुका हूं तुम लोग को, जिसको नहीं पता जाके फिर से वहां देखो। डीवी बराबर क्या हो जाएगा, डीवी नहीं, हमको चार्ज चाहिए, डी क्यू की वैल्यू चाहिए, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रो डीवी। ठीक है, अब फॉर्मूला हम लोग चेंज करते हैं, 1/4πε0 इंटीग्रेशन डी क्यू की जगह पे क्या लिख दिया जाए, रो डीवी, ये भी वॉल्यूम वाला है, ठीक है, अपॉन आर माइनस आर आई। ठीक, दूसरा, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली ऑन अ सरफेस ऑफ एरिया एस ले लो, जो भी ले सकते हैं, सरफेस ऑन एरिया एस ले लो या ए ले लो, जो भी ले लो, ओवर एनी सरफेस ऑफ एरिया। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला भी पहले हम लोग कैसे लिखेंगे, v = 1/4πε0, ये क्या हो जाएगा, dq अपॉन r माइनस आर आई का मैग्नीट्यूड। फिर यहां लिखेंगे सिंस, अब यहां डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू dq बाई जिस एरिया पे है, ds एरिया पे है, तो यहां से हमको क्या मिलेगा, dq इज इक्वल्स टू सिग्मा ds। तो अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/4πε0 इंटीग्रेशन डी क्यू की जगह पे सिग्मा डी एस अपॉन आर माइनस आर एन। ठीक है, तीसरा, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली on a line of on a line l, l length है। तो यहां पे भी देखो हम लोग क्या लिखेंगे कि इसमें linear charge density lambda is equals to dl by dq by जितने length में है dl, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, dq बराबर lambda dl। तो अब यहां formula क्या हो जाएगा, 1/4πε0
इंटीग्रेशन डी क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे आप, लेमडा डीएल बाई आर माइनस आर आई का मैग्नीट्यूड। अच्छा ये वॉल्यूम के कारण है तो इसमें वी भी लिख देते हैं, ये चार्ज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण वी भी लिख दिए, ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण वी एस लिख दो, ये लीनियर है वी एल लिख दो। अब कोई तुमसे पूछे, ये तो बस हम लोग फॉर्मुलेट किए थे, अब पूछे कि भाई कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे वी कंटिन्यूअस बराबर वी वॉल्यूम के कारण प्लस वी सरफेस के कारण प्लस वी लाइन के कारण। ये इन सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, वी ए वी वी की वैल्यू, वी एस की वैल्यू, वी एल की वैल्यू। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब अगर बोले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ जनरल सोर्स, जनरल सोर्स, तो जनरल सोर्स जब बोले तो देखो वो चार्ज अलग अलग भी बिखरा हो सकता है और उसमें कुछ चार्ज कंटिन्यूअस भी हो सकता है, तो हम लोग जनरल के कारण नेट पोटेंशियल क्या लिखेंगे, वी कंटिन्यूअस प्लस वी कंटिन्यूअस में ये तीनों आ गया, तीनों बस हम प्लस वी डिस्क्रीट। ठीक है वी डिस्क्रीट समझते हो, डिस्क्रीट माने अलग अलग चार्ज के कारण, तो अलग अलग चार्ज के कारण क्या, इसके लिए ये पूरा लिख दोगे वी एल प्लस वी एस प्लस वी वी प्लस वी एस प्लस वी एल प्लस डिस्क्रीट के कारण हम लोग क्या निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो अलग अलग चार्ज के कारण इसका हो जाएगा समेशन क्या था क्यू आई अपॉन आर माइनस आर आई का मैग्नीट्यूड, यही निकाले थे हम लोग। यहां बता दो आई बराबर 1 से एन तक। ठीक है ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है यहीं पे, एकदम अच्छे से समझा करो लोग, पेन कॉपी लेके बैठो ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, एकदम ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर करो, इजी से इजी समझने का कोशिश करना है, समझ आ जाएगा तो तुम लोग डेफिनेशन बना के लिख सकते हो। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है इससे जो फॉर्मूला मिलेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम लोग पढ़ना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब ई और वी में रिलेशन। देखो ई क्या है, वेक्टर, वेक्टर, और ये क्या है, स्केलर। इतना तो पढ़ा चुका हूं, इतना समझ गया हो तुम लोग, पिछले वीडियो में ही बताया। अब हम लोग को रिलेशन निकालना है, चलो ठीक है। तो अब क्या किया जाए, शुरू करते हैं। मान लीजिए कि यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा है पॉइंट ओ पर, ठीक, ये एक लाइन बना लो, यहां पे पॉइंट बी है और यहां पे पॉइंट ए है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस हम लिए, डिस्प्लेसमेंट डी आर। यहां का पोटेंशियल वी ए, ए का पोटेंशियल और वी बी, बी का पोटेंशियल। ठीक है तो हम लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, ये देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, या अगर फोर्स के टर्म में बात करें तो फोर्स यहां, ये फोर्स कितना लग रहा है, क्यू नॉट अगर ला रहे हो तो सीधा समझो क्यू ई, क्यू एफ, क्योंकि हाँ ठीक है, क्योंकि ई बराबर, नहीं गलत लिख दिया क्या, हाँ गलत लिख दिया, एफ बाई फोर्स, फोर्स की बात करें ना हम लोग, फोर्स कितना है क्यू इंटू ई, फोर्स का डायरेक्शन क्या, जो फील्ड का डायरेक्शन है भाई, E इज इक्वल टू क्या होता है, F by Q, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, Q into E। जब भी टेस्ट चार्ज का बात किया जाए तो समझ जाना पॉजिटिव चार्ज की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है
यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात कर, मान लो कि वी ए पर हम पोटेंशियल मान लिए हैं कि वी है, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जाएंगे डी आर तो हमारा पोटेंशियल कितना बढ़ेगा, वो भी छोटा सा बढ़ेगा पोटेंशियल डी वी। तो यहां पे ए था, इधर पॉजिटिव की तरफ आएंगे हम इधर आ रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट में छोटा सा पोटेंशियल बढ़ेगा, तो ये बढ़ के क्या हो जाएगा, वी तो था यहां, बढ़ कितना गया dv बढ़ गया, तो यहां पोटेंशियल क्या हो गया v plus dv, और यहां पे पोटेंशियल कितना है v, यहां पर a पे पोटेंशियल v, b हां v है a पे पोटेंशियल, और हम जब a से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr जब हम आगे बढ़े हैं तो b पे पोटेंशियल बढ़ जाएगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr बढ़े हैं तो पोटेंशियल भी छोटा सा बढ़ेगा dv, तो यहां पोटेंशियल क्या हो गया v plus dv, समझ रहे हो ना। इसके बाद जैसे जैसे आते जाएंगे फोर्स बढ़ता जाएगा, मतलब पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। सवाल ये है, फिर से पहले भी बता चुका हूं, सर हम लोग इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्यों लेते हैं, क्या काम? तो बात ये है कि फील्ड जैसे जैसे हम आगे जाएंगे फील्ड कम होता जाएगा, ठीक है, मतलब फील्ड वेरिएबल है, बोलो फील्ड वेरिएबल है, फील्ड कम होता जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हमको पोटेंशियल निकालना है तो हमको फोर्स चाहिए, वर्क डन चाहिए, और वर्क डन के लिए फोर्स चाहिए, तो फोर्स कैसा होना चाहिए वर्क डन में, वर्क डन निकालने के लिए फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए, फोर्स यहां वेरिएबल मिलेगा क्योंकि फील्ड वेरिएबल है, ई ई फिक्स कांस्टेंट नहीं है ना, चेंज हो रहा है। तो हम एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में ये इतना छोटा है कि इसमें फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा लगभग। जैसे एग्जांपल देखो, तुम लोग समझाते हैं, यहां मान लीजिए 15 फोर्स लग रहा है, यहां 20 लग रहा है, यहां 25 लग रहा है न्यूटन, तो अगर हम यहां से जस्ट यहीं पे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, ये इतना बड़ा जो है ना वो एकदम ही छोटा है, तो यहाँ 15 है तो यहाँ कितना होगा 15 पॉइंट समथिंग होगा, 01 या 15.1, तो लगभग बराबर, लगभग कांस्टेंट मान लेते हैं, तो इसी के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे याद रखना, हम लोग क्या किए हैं, दो पॉइंट को, दो पॉइंट ए और बी को एकदम क्लोज लिए हैं, दो पॉइंट ए और बी को एकदम क्लोज लिए हैं। क्यों लिए हैं, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में कांस्टेंट रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रह के क्या मिलेगा हमको, फोर्स कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये तुम लोग लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, द टू पॉइंट्स ए एंड बी आर सो क्लोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ई बिटवीन देम रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब हम लोग क्या किया जाए, अब देखो, अब हम लोग निकाल लेते हैं एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो कि हम टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पे, हम लोग टेस्ट चार्ज क्या लिए हैं, क्यू नॉट लिए हैं, क्यू नॉट को ए से बी मूव करने में कितना एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, तो क्या लिखा जाए, द एक्सटर्नल फोर्स required, work done निकालने के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं, to move test charge q not, अच्छा हाँ, इसको कैसे मूव करना है, तो क्या बोलेंगे, एकदम स्लोली स्लोली, ठीक है, मतलब बिना स्पीड चेंज हुए, बिना स्पीड चेंज हुए मतलब विदाउट एक्सेलरेशन, क्या लिख लो, विदाउट एक्सेलरेशन, समझ आ रहा है, विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि नो चेंज इन स्पीड, या इसी को क्या बोलेंगे, स्लोली स्लोली एकदम, ठीक है, एकदम धीरे लग, मतलब स्पीड चेंज ही नहीं हो रहा है जैसे, ठीक है। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स हम निकाल रहे हैं, वो एक्सटर्नल फोर्स किधर होगा, इधर होगा, फील्ड के अपोजिट में होगा, फील्ड किधर है, इधर, इधर ऑलरेडी एक फोर्स लग रहा है, हम लगभग उसी के बराबर एक फोर्स लाएंगे कि वो एकदम धीरे धीरे आए, एकदम ना के बराबर आए, इसीलिए हम लगभग एकदम बराबर फोर्स लेंगे, ठीक है, ठीक है। क्या नहीं है, द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट,
ब्रैकेट में विदाउट एक्सिलरेशन, विदाउट एक्सिलरेशन वाला समझा दिए क्यों? देखो विदाउट एक्सिलरेशन इसलिए बोल रहे हैं कि अगर एक्सिलरेशन होगा तो मतलब स्पीड चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी जब चेंज हो रहा है तो यहां जो हम वर्क निकालते थे ना पोटेंशियल में, पोटेंशियल में क्या लिखते थे? V बराबर W A B, A से B लाने में by Q not को लाएं। तो ये जो वर्क है, अगर यहां पे वेलोसिटी चेंज होने लगे, वेलोसिटी भी यहां आ जाए, तो अब ये हमारा काइनेटिक एनर्जी भी यहां बन जाएगा। तो यहां पे खाली पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगा, काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा, तो ये लिखना गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, अभी यहां वर्क क्या है? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में जा रहा है, और अगर थोड़ा सा भी स्पीड हो जाए, कुछ वेलोसिटी आ जाए, चेंज इन वेलोसिटी आ जाए, एक्सीलरेशन रहे, तो काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगा, इसीलिए ये लिखना गलत रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज क्यू नॉट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज, अब देखो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्यों ले रहे हैं? यही तो डेफिनेशन था हमारा, कि हम लोग जब पोटेंशियल निकालते थे तो हम लोग को वर्क चाहिए था, काहे में वर्क? तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड ई या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके अगेंस्ट लाने में जो वर्क लग रहा है, तो अगेंस्ट लाने वाला वर्क निकालना है तो हमको फोर्स भी क्या चाहिए? जो अगेंस्ट हो, समझ आ रहा है? फोर्स भी हमको, हमको वो वर्क निकालने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? जो अगेंस्ट हो इलेक्ट्रिक फील्ड के या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमको लाना है, तभी तो हमारा डेफिनेशन कंप्लीट होता है। और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे लाना है? विदाउट एक्सिलरेशन, एकदम धीरे धीरे लाना है। ठीक है, तो अब हमको यहां एक फोर्स तो इधर लग रहा है, फील्ड इधर, अब हमको इसके अगेंस्ट फोर्स लगाना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट लाना है, तभी हमारा पोटेंशियल का डेफिनेशन करेक्ट होता है, जो डेफिनेशन हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो अब ये फोर्स क्या होगा? वेक्टर एफ बराबर क्यू नॉट वेक्टर ई, ये कौन सा है? एक्सटर्नल फोर्स। ये सही है, ये सही है, नहीं है सही। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये फोर्स ई के डायरेक्शन में आ जा रहा है, और हमको जो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए वो कैसे चाहिए? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहां माइनस लगाएंगे। अब ये सही है, समझ आया क्या बोला मैंने? फोर्स तो एक फील्ड तो इधर ऑलरेडी है, एक फोर्स इधर ऑलरेडी लग रहा है, लेकिन हमको वो फोर्स नहीं चाहिए, हमको इसके, इस फील्ड के, इस फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स चाहिए। तो यहां नेगेटिव लगाए कि ई के डायरेक्शन में नहीं है वो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो हमको इधर से चाहिए वो ई के अपोजिट है, ये हमको माइनस साइन बताता है। ठीक है, कि ई के अपोजिट है। ठीक है, अब हम लोग क्या निकाल लिया जाए? वर्क डन निकाल लिया जाए। तो वर्क डन क्या होता है? द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, द पहले लिख लिया जाए वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो वर्क डन निकाला जाए, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये वर्क डन कहां से कहां लाने में? ए से बी लाने में। तो ये लिख दिया जाए डब्ल्यू ए बी। तो फोर्स कितना है? माइनस क्यू नॉट ई, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? डी आर। अब वर्क डन हम लोग एक और तरीके से निकाल सकते हैं, ध्यान से देखो वर्क डन और कैसे ये देखे ना, ये फोर्स कौन सा है? इधर जो फोर्स लगा, हम एक्सटर्नल फोर्स जो लाए हैं वो इसके अगेंस्ट वाला फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स के कारण ही हमको वर्क डन निकालना है, तभी हमारा डेफिनेशन पोटेंशियल का कंप्लीट होता है। ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाने के लिए। तो अब देखो, तुम लोग जानते हो कि पोटेंशियल बराबर क्या होता है, यहां पे पोटेंशियल क्या होगा? वीबी माइनस वीए होगा, ज्यादा से कम को माइनस करो, वीबी माइनस वीए होगा। या डायरेक्ट फॉर्मूला अगर मैं तुम लोग से बात करूं, पोटेंशियल बराबर क्या होता है? वर्क बाई ए। तो वर्क बराबर यहां से हमको क्या मिल जाएगा? सॉरी गलत लिख दिया ना, चार्ज क्यू नॉट। तो वर्क पर टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट लिखते हैं, तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज इंटू पोटेंशियल। ठीक है,
एक तरीके से और वर्क निकाल सकते हैं, तो निकाला जाए। लिखो ऑल्सो वर्क डन इन मूविंग द, अच्छा यहां चार्ज को क्या लिखो, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, मूविंग द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी। तो अब वर्क डन निकाला जाए, तो अब वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बराबर टेस्ट चार्ज, आ रहा है नीचे का दिख रहा है, हाँ ठीक है, टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी डब्ल्यू ए बी है, ए से बी ले जाने में, तो इसको भी डब्ल्यू ए बी लिख लो, ठीक है। अच्छा टेस्ट चार्ज क्या है, क्यू नॉट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी बी माइनस वी ए। अब देखो मैं एक चीज यहां तुम लोगों को दिखा दूं, वी बी कितना है, वी प्लस डी बी, तो वी बी माइनस वी ए, वी बी की वैल्यू लिखो वी प्लस डी बी और माइनस वी ए की वैल्यू वी, तो वी बी कैंसल हो गया, वी बी माइनस वी बी क्या बच जाएगा, वी बी माइनस वी ए डी बी बच जाएगा। सिंपल सा बात है, इन दोनों के बीच कितना पोटेंशियल, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो छोटा सा पोटेंशियल डी बी, और इसको करके भी दिखा दिया जो हम लोग लिए थे उससे, तो ये क्या हो जाएगा क्यू नॉट डी बी, ठीक है। अब ये ऊपर वाला मिटा रहा है, लिख लोगे लोग वीडियो पॉज करके, ठीक है। हाँ अब क्या किया जाए, दोनों वर्क डन तो सेम है, सेम चीज के लिए दोनों वर्क डन निकाल रहे हैं, ये भी ए से बी लाने के लिए अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये भी ए से बी लाने के लिए अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो दोनों क्या है सेम वर्क डन होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ इक्वेटिंग द टू वर्क डन, दोनों वर्क डन को इक्वेट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, वी गेट, वी गेट ये वर्क डन कितना है, ये वाला कितना है क्यू नॉट, या उसी को लिखो पहले माइनस क्यू, किसी को पहले लिख लो, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर बराबर, ये क्या हो जाएगा क्यू नॉट डी बी, क्यू नॉट खत्म, वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ई बराबर माइनस साइन उधर गया, उधर डी बी है अपॉन वेक्टर डी आर। ये रिलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीबीआई, ठीक है। नीचे का भी मिटाल देते हैं, उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को समझ आया होगा। अब देखो 11th में तुम लोग पढ़े थे वेलोसिटी ग्रेडियंट, छोड़ा चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा वेलोसिटी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो उसको क्या बोलते थे वेलोसिटी ग्रेडियंट, यहां इसको क्या बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। क्या है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, याद रहेगा डीवी बाई डी आर पोटेंशियल ग्रेडियंट है, और ये ई और डीवी में रिलेशन निकल गया, इस पे वेक्टर है, इस पे वेक्टर है, इस पे नहीं है। अब एक चीज और मेरे ध्यान में आया, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कि जैसे हम लोग EDVEDR ओके, यहीं से हम लोग डिस्कस करते हैं, मान लीजिए यहां से डीवी बराबर क्या हो जाएगा माइनस ई डी आर, ठीक ई डी आर। तो अब तुम लोग एक चीज नोटिस किए होगे कि जब हम लोग एक पॉइंट चार्ज के कारण जब हम लोग निकाले थे यहाँ प्लस क्यू के कारण, इस यहाँ पॉइंट पी पे जब हम लोग निकाले थे, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो था फील्ड इसी लाइन पे है, और डिस्प्लेसमेंट ये फील्ड का है ना, फील्ड इसी लाइन पे है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी लाइन पे है, भले इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आर लिख देते हैं, ठीक।
ठीक है, डिस्टेंस कितना है। अब देखो ये चीज अब हम लोग को याद रखना है कि R और E सेम लाइन में होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और फील्ड सेम लाइन में होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और फील्ड सेम लाइन में होना चाहिए, ये डॉट प्रोडक्ट है। तो अब सवाल ये है कि सर मान लीजिए कि अगर सेम डायरेक्शन में नहीं हो, अगर मान लीजिए कि हमारा फील्ड ऐसा है, फील्ड ये हमारा फील्ड है, कुछ भी ऐसा फील्ड है समझाने के लिए, और हम चार्ज को ऐसा ला रहे हैं, तो ये देखो ये E है और ये क्या है R है या dr लिखो। तो अब ये दोनों सेम लाइन में नहीं है, सेम लाइन में नहीं है ना, और इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है थीटा, तो हमको सेम लाइन में चाहिए, मान लीजिए इधर जा रहा है सेम लाइन में चाहिए, तो हम इसका दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, एक क्या होगा dr sin थीटा, तो इससे तो हमको मतलब है ही नहीं, हमको परपेंडिकुलर वाले से मतलब नहीं है, जो ये डिस्प्लेसमेंट फील्ड के परपेंडिकुलर इससे कोई मतलब नहीं, हमको किससे मतलब है जो फील्ड के ही लाइन पे हो, अब वो इधर हो या इधर हो, तो ये क्या हो जाएगा dr cos थीटा। तो ये भी सही है अगर इसको ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि ये क्या है हमारा डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे माइनस ई dr cos थीटा। लो भाई अब थीटा का वैल्यू पुट कर दो तो एंगल पे भी कुछ रहेगा, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट और फील्ड के बीच में कुछ एंगल भी रहेगा, तो भी इसी फॉर्मूले से तुम लोग निकालोगे, समझ आ गया, अगर कुछ एंगल पे रहेगा तो भी तुम लोग इसी फॉर्मूले से निकालोगे, फॉर्मूला कुछ चेंज नहीं होगा, ये चीज याद रखना, याद रहेगा ठीक है, फॉर्मूला तो सेम है, एंगल कहां है भाई, डॉट प्रोडक्ट है, कॉस थीटा लग जाएगा, अब कॉस थीटा ही क्यों लगा, तो एक तो जवाब है कि की डॉट प्रोडक्ट है इसीलिए, दूसरा तरीका भी मैंने समझा दिया, हमने देखा फॉर्मूला कि जिधर फील्ड था जिस लाइन में फील्ड था उसी लाइन में डिस्प्लेसमेंट करना था, हमको नहीं पता ये डॉट प्रोडक्ट हमको नहीं पता है, तो दूसरे तरीके से समझाया था जो वो समझो, कि हमको हम लोगों ने क्या सीखा कि जिस जो लाइन फील्ड का है वही लाइन डिस्प्लेसमेंट का है, ठीक है पक्की बात, तो अभी भी तो वही होना चाहिए तभी हमारा फॉर्मूला बनेगा, तो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट है dr, तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या किए कि इसका कंपोनेंट तोड़े, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर आया उससे हमको मतलब नहीं है, परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट से हमको मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है जो उसी डायरेक्शन में है, तो ई के डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आ रहा है इसका कॉस, समझ रहे हो, क्योंकि ये इसके साथ थीटा बना रहा है ये बेस है, तो ये कॉस डी आर कॉस, या तुम ये भी कर सकते थे कि डी आर को नहीं ले जाओ अगर तो ई को ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा E cos थीटा, फील्ड को ही इस डायरेक्शन में ले आओ तो सेम डायरेक्शन आ जाएगा, तो हम cos थीटा ही लेंगे, एक तरीका ये हो गया, एक डॉट प्रोडक्ट वाला हो गया, उम्मीद करते हैं तुम लोग को समझ आया होगा। अच्छा ये जो रिलेशन अभी जो मैंने डेरिवेशन तुम लोग कराया है, ये तुम लोग को एक और चीज बोल सकता है निकालने के लिए, तो तुम ऐसा करोगे क्या बोल देगा कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं किससे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हम लोग निकाले हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, समझ आ रहा है ना, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि भाई निकालिए आप कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम लोग लिखेंगे, अब इसी को हम लोग उलट देते हैं, अब हम लोग क्या लिखते हैं कि कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या था कंप्यूटिंग, क्या बोला था नेक्स्ट मैंने कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पिछले बार क्या लिखे थे कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम
इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो देखो कैसे निकाला जाए। तो हम लोग जानते हैं वेक्टर E बराबर क्या होता है, माइनस dv बाई वेक्टर dr। अच्छा हम लोग को तो dv निकालना है ना, E किसे के हेल्प से dv निकालना है। तो dv बराबर क्या हो जाएगा, dv बराबर माइनस E डॉट dr, ठीक है, E डॉट dr। अच्छा अब हम लोग को नेट पोटेंशियल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए इसको अरे यहां गलत लिख दिया, इस पे वेक्टर क्यों लिखा है, इंटीग्रेट कर देंगे इसको। कहां से कहां इंटीग्रेट कर देंगे, तो मान लीजिए दो पॉइंट ले लेते हैं हम पोजीशन वेक्टर r1 और r2, इंटीग्रेटिंग टोटल पोटेंशियल के लिए इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन फ्रॉम पॉइंट वेक्टर r1 टू, पोजीशन वेक्टर है वेक्टर r2, ठीक है, हमको क्या मिलेगा, देखो dv को, तो अब इसमें पोटेंशियल भी देखो, एक जगह कहीं v1 होगा और एक जगह v2 होगा, v1 से v2, v1 पहले v2 बाद में, पहले कम वाला बाद में ज्यादा वाला। इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस बाहर निकालो, इंटीग्रेशन e dr कहां से कहां, r1 से लेके r2 तक, ठीक है, सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा v2 माइनस v1 हो जाएगा, इंटीग्रेट करोगे वैल्यू पुट करोगे, और ये क्या हो जाएगा माइनस e, इसको यही रहने देते हैं, r1 r2 e डॉट dr, ठीक। अब हमको पोटेंशियल चाहिए, तो एक पॉइंट के लिए, हालांकि पोटेंशियल एक पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होता है, तो अब हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये जो v1 लिए थे ना r1, वो इन्फिनिटी पे है, क्या मान लिया जाए, r1 कहां है, इन्फिनिटी पे है। If we take vector r1 at infinity, अगर आप vector r1 को infinity पे ले लीजिए, तो infinity पे potential क्या होगा, v1 r1 पे v1 क्या होगा, zero होगा, ठीक है, और put कर दिया जाए, and put r2 को हम लोग क्या put कर देते हैं, vector r put कर देते हैं, ठीक, तो ये v2 बचेगा, v2 बराबर ये क्या हो जाएगा माइनस, और r1 को हम लोग क्या रख दिए इनफिनिटी, और r2 को रख दिए हैं r, और ये e dr, ठीक है। अच्छा v2, और v2 क्यों लिखे हम, नंबर क्यों लिखे हैं, r2 बराबर r ले लिए हैं, तो हम लोग बोल देते हैं कि पोटेंशियल एट r, और ये r पोजीशन जो है वो तो वेक्टर है, ये स्केलर मतलब R पोजीशन पर पोटेंशियल, ये हमको फॉर्मूला मिल गया, किसका मिल गया फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग निकाल लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इसको भी नोट कर लो। अब देखो, अब फिर से वापस आते हैं हम लोग, जो हम लोग का रिजल्ट मिला था, क्या रिजल्ट मिला था, कि वेक्टर E बराबर dv by vector dr, या माइनस, या खाली e बराबर dv by dr, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोले थे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक। अब इससे हम लोग को इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या क्या मिलता है, तो लिखा जाए प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज, रिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो पहला पहला लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दैट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज in that direction, electric field in that direction, और क्या लिखा जाए, in which the potential decreases, in
which the potential decreases steepest. ठीक है, क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दैट डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेस. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस डायरेक्शन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इस डायरेक्शन में जैसे जैसे आगे जाओगे, अगर मान लीजिए यहां कहीं क्यू चार्ज है, तो इसके पास जैसे जैसे हम आते हैं पोटेंशियल बढ़ता है, और इससे दूर जैसे जैसे हम जाएंगे पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा, जब यहां पॉजिटिव चार्ज है तो. और निगेटिव चार्ज में क्या होता है? ऐसा है. अब जैसे हम एकदम दूर जाते हैं तो निगेटिव चार्ज के कारण निगेटिव पोटेंशियल. बात समझ आ रही है ना? निगेटिव चार्ज के कारण निगेटिव पोटेंशियल. तो इसमें जैसे जैसे दूर जाएंगे तो क्या होगा? दूर जाएंगे जैसे जैसे वैसे वैसे कम आएगा, निगेटिव में वैल्यू बढ़ता जाएगा और इधर निगेटिव में वैल्यू कम होता जाएगा. खैर इसमें अभी उतना नहीं घुसते, एग्जाम्पल एग्जाम्पल आएगा तो देख लेंगे. ठीक है, कुछ क्वेश्चन वोश्चन आएगा तो उसमें देख लेंगे. क्या लिखा है मैंने, समझ गए? अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना है? अवे फ्रॉम चार्ज. चार्ज से जब हम दूर जा रहे हैं तो जब हम चार्ज से दूर जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा. ये देखो, यहां ए था, यहां बी था, यहां से यहां आते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है. क्यों बढ़ता है ये भी समझा चुका हूं अच्छे से. नहीं समझ आया, बार बार वीडियो देखो फिर भी समझ नहीं आया, तो मेरे को जरूर बताना. तो वही लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दैट डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टीपेस्ट. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है. स्टीपेस्ट क्यों लिखे? स्टीपेस्ट मतलब एकदम शार्पली डिक्रीज होगा, जैसा इस टाइप से, ये इस टाइप से डिक्रीज होगा. और स्टीपेस्ट इंक्रीज मतलब इस टाइप से स्लोप में इंक्रीज होगा. समझ गए? ये एक मिला. दूसरा और लास्ट इंपॉर्टेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज equal to the magnitude of electric field is equal to the, क्या है magnitude? अगर ये minus हट जाएगा तो the magnitude of electric field is equal to the, ये क्या है? Change in magnitude of potential equal to the change, इसी को देख के लिखना है, change in magnitude of potential. देखो हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वेक्टर वेक्टर नहीं लेंगे और ये नेगेटिव वेक्टर नहीं लेंगे. ई बराबर सीधे डीवी बाई डीआर, मतलब मॉड ले लो वैसा, मॉड ऑफ ई बराबर मॉड ऑफ डीवी बाई डीआर, नेगेटिव तो पॉजिटिव ही आएगा. तो इसीलिए हम लोग बात की, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल. ये क्या है? चेंज इन पोटेंशियल. तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, इज इक्वल टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल. चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल. फिर क्या है? चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. नीचे डिस्प्लेसमेंट है तो पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ब्रैकेट में लिख लो, इसी को क्या बोलते हैं, किसको अंडरलाइन कर रहा हूं, द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं ना, डीवी बाई डी आर को. तो ये क्या है? पोटेंशियल, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गए. ठीक है, नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट गिवन पॉइंट, नॉर्मल, नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट गिवन पॉइंट. कितना टाइम हो गया? 49 मिनट्स. ठीक है, अपने पास टाइम है, टाइम देखना पड़ता है, नहीं तो पता चला एक घंटे में, एक घंटे 10 मिनट के बाद वीडियो डिलीट ही हो जाता है अपने आप. पूरा मेहनत देखा,
तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डीवी बाई डी आर। तो डीवी को हम क्या बोलेंगे, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल। पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, हम मैग्नीट्यूड बता रहे, तो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखेंगे, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, इसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडिएंट ब्रैकेट में लिख लिया। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब सर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है और इसके नॉर्मल क्यों होगा, ठीक है, अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें तुम लोग का ये पूरा क्लियर हो जाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस पहले पढ़ा देता हूं, इसको बंद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पढ़ा जाए हम लोग, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो नाम से ही तुम लोग अंदाजा लगा पा रहे हो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जिस सरफेस पे पोटेंशियल इक्वल रहे। समझ आ रहा है, इक्विपोटेंशियल नाम से ही पता चल रहा है, जिस सरफेस पे पोटेंशियल, जैसे ये बोर्ड हमारा है, ठीक है, ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल इक्वल हो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, जीरो हो, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो, हाँ ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। अब देखो, अब हम लोग इसका डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, क्या लिखे, अ सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अ सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट, सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड, उस सरफेस को क्या बोलेंगे, जिस सरफेस पे सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ईच एंड एवरी पॉइंट पे, उसको क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, सिंपल सा डेफिनेशन। अब इसका खाली डेफिनेशन में तो कुछ नहीं, नाम पढ़ के ही पता चल रहा था, इसमें मेन हम लोग का इसका प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, एक एक करके लिखता हूं प्रॉपर्टीज और तुम लोग को समझाता हूं। पहला प्रॉपर्टी, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब ये क्या बात हो गया कि कोई वर्क ही नहीं करना पड़ेगा, चलो ठीक है देखते हैं। तो हम एक सरफेस ले लेते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या बोला, नो वर्क इज डन, मतलब अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है उस पे कोई भी वर्क हमको नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए ये हमारा कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, अब इस पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, यहां पे फील्ड परपेंडिकुलर, अच्छा इसका भी बात कर लेंगे हम लोग, इधर क्या है, सपोज हम यहां से ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, इस सरफेस पे हमको ए से बी पे हमको चार्ज को लाना है, ठीक है, तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस वी ए और यहां पोटेंशियल वी ए और यहां पोटेंशियल वी बी, ये दोनों पोटेंशियल क्या है, इक्वल है, ठीक है, पोटेंशियल बराबर क्या होता है, वर्क बाय चार्ज होता है, तो वर्क बराबर क्या होगा, ये वी ए बी लिखो, ए से बी जाने में, तो वर्क ए से बी जाने में वर्क चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी बी माइनस वी ए है, और वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या है, जीरो, क्यों जीरो, क्योंकि बी पे जो पोटेंशियल है और ए पे जो पोटेंशियल है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है,
तो अगर यहां पोटेंशियल 5 है तो यहां भी पोटेंशियल 5 है, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इस सरफेस पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं। यहां भी 5, यहां भी 5, तो 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन क्या आ गया, 0। उम्मीद करते हैं कि तुम लोग समझ गए होगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझ गए ना, वी ए माइनस वी बी बराबर जीरो, तो डब्ल्यू ए बी बराबर जीरो आ गया। अब देखो पहला पॉइंट लिख लिए, फर्स्ट पॉइंट लिख लिए, अब दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, सेकंड पॉइंट बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू, लिख लिया नॉर्मल हुआ था ना, नॉर्मल, ऑलवेज नॉर्मल टू, ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हमेशा नॉर्मल होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो पिछले बार हम लोग ये इक्विपोटेंशियल सरफेस लिए थे, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं परपेंडिकुलर लिए थे ना हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यूं है, और इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, ये इधर हमको मूव करना है, ए बी इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो इस फील्ड का दो कंपोनेंट टूटेगा, ये क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। तो हम लोग को क्या बोला था कि परपेंडिकुलर होगा। अब देखो इससे पहले वाले पॉइंट में चूंकि हम लोग सीख चुके हैं नो वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो अब अगर इसका कंपोनेंट टूटा, एक परपेंडिकुलर हो गया और एक ऐसा सरफेस के पैरेलल हो गया, तो अब एक सरफेस के पैरेलल हमको क्या मिल गया, एक फील्ड मिल गया। तो अब जब फील्ड, एक पहले हम लोग ये नोटिस कर लेते हैं कि डब्ल्यू ए बी बराबर जीरो, हम लोग पहले सीख चुके हैं, ए से बी लाने में कोई वर्क नहीं लगेगा। लेकिन अब जब हम मान ली कुछ एंगल है कॉम्पोनेंट तोड़ लिए, तो अब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्पोनेंट है, तो अब इसके अगेंस्ट हमको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट के, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमको चार्ज लाना पड़ेगा अगर, तो यहां पे वर्क करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां पे हमको वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क ए से बी लाने में कुछ वर्क होगा, क्यों, क्योंकि इसका अपोज करने के लिए एक फील्ड ई कॉस थीटा बैठा है सरफेस पे, तो कुछ फील्ड हमारा आ जाएगा, कुछ भी वैल्यू आ जाएगी फील्ड की, आएगी वैल्यू, सॉरी फील्ड बोल रहा हूँ, वर्क की कुछ वैल्यू आ जाएगी, फील्ड हमारा है, इस फील्ड के अगेंस्ट हमको वर्क करना है, तो वर्क की कुछ वैल्यू आएगी, क्यों वर्क की वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ फील्ड है, तो अब हमको फील्ड के अगेंस्ट चार्ज लाना है, तो वर्क होगा। लेकिन हम जो पहले सीख चुके हैं, हम क्या सीखे हैं, कि वर्क ए बी बराबर क्या होगा, वर्क ए बी ए से बी लाने में इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क जीरो होगा, और इसमें वर्क कुछ आ जा रहा है, मतलब कि ये गलत है, वर्क कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं हो रहा है, मतलब जो हम मान रहे थे कि कुछ एंगल पे इंक्लाइन रहेगा वो गलत हो जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, क्योंकि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कुछ इंक्लाइन रहेगा ई, तो ई का एक कंपोनेंट आएगा, और कंपोनेंट के कारण हमको चार्ज मूव करने में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमको चार्ज को मूव करना है, तो हमारा वर्क कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग सीख चुके हैं कि वर्क जीरो होगा, या इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ए से बी मूव करने में अगर इक्विपोटेंशियल है, तो यहां से यहां मूव करने में वर्क जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, क्योंकि यहां और यहां पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है, जितना पोटेंशियल यहां है उतना ही पोटेंशियल यहां है, लेकिन अगर फील्ड आ जाए तो पोटेंशियल जीरो नहीं हो रहा, तो ये गलत है कि फील्ड कुछ वर्क कुछ आ जाएगा, ठीक है, तो वर्क नहीं आएगा कुछ, तो वर्क जीरो हो जाएगा। 59 हो गया, ठीक है, दो लिख लिए, अब तीसरा लिखते हैं। तीसरा क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू, तीसरा हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर, तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर, क्लोजर टुगेदर इन रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, इन
रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है, इन रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड एंड फार्दर, हाँ ठीक है, फार्दर अपार्ट इन वीक रीजन्स। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पास पास होगा, क्लोजर होगा इन रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड और दूर होगा इन वीक रीजन्स, जो जहां पे कम है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, जहां पे कम है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे कम है। तो जैसे देखो E बराबर क्या है, माइनस डीवी बाई डी आर। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर्फेस के लिए डीवी क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी आर, ठीक है, या डी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई E, ठीक। तो इसको लेके चलते हैं, जहां पे कब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कब होगा, देखो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दें तो ये R क्या होगा, कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ जाएगा तो R क्या होगा, कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये डिनोमिनेटर में ये इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो dr मतलब जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या होगा, कम आएगा, तो लाइन पास पास रहेगा, ठीक है, अगर इसको बढ़ा नहीं लाइन दूर हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टूगेदर इन रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड में पास होगा। सिंपल सा समझ लो, ये जो लिखने की कोशिश कर रहा है, जैसे यहां हम लोग फील्ड लाइंस बना दिए, तो यहां देखो यहां पे फील्ड क्या है, वीक है, और यहां अगर हम ले लें तो फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो देखो जहां फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहां लाइन थोड़ा पास पास है, दोनों लाइन के बीच में कम डिस्टेंस, और जहां फील्ड वीक है वहां ज्यादा है डिस्टेंस, ये बताता है। थोड़ा जल्दी कर रहे, नहीं तो वीडियो ऑटो डिलीट हो जाएगा। एक बार फिर हम नेक्स्ट वीडियो में भी इसको डिस्कस कर लेंगे। फोर्थ और लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन intersect each other, दो equipotential surface कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं करेगा, दो equipotential surface कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अगर दो surface, एक equipotential surface ये और एक surface ये अगर intersect किया तो एक point पे दो potential की value आ जाएगी। एक पॉइंट पे देखो, अगर मान लीजिए ये पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल 5 है, ये इक्विपोटेंशियल 10 है, तो इस पॉइंट पे दो पोटेंशियल आ जा रहा, 5 भी आ रहा है 10 भी आ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। एक पॉइंट पे एक यूनिक इक्विपोटेंशियल होगा, अलग अलग नहीं होगा। चलो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।